हेलो एवरीवन, मैं अरबीन जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूं पीजी एडमिशन के बारे में। पीजी एडमिशन 2021 की लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन 2021 की लेटेस्ट अपडेट ये सामने आ रही है कि आपके सीटों में बढ़ोतरी की गई है। कितनी परसेंट आपकी सीटें बढ़ी हैं और थर्ड लिस्ट आपकी कब जारी होगी पीजी एडमिशन की, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जेन्यू क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अगर आप वहां मुझे फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी डाउट है, जितने भी क्यूरीज है, उनका मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तो आप वहां पर डीएम कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले खुशखबरी से स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो सीटें थी, आप सभी को बताया कि आपके टोटल 37 कोर्स हैं, और 37 कोर्स के अंदर आपके यहां पर एडमिशन हुए थे। तो 37 कोर्स में आपके टोटल 3400 सीट थी। कितनी सीट थी? 3400 सीट, मतलब कि आपके लगभग 3500 के आसपास आपकी सीट थी 37 कोर्स के अंदर। यहां पर जो है आपके दो लिस्ट निकल चुकी हैं। पहली लिस्ट आ गई है, आपका एडमिशन हो गया, जिनका पहली लिस्ट में आ गया है उनकी फीस जमा हो गई है। दूसरी लिस्ट आ चुकी है, और दूसरी लिस्ट आने के बाद में करीब आपके 5-6 दिन हो चुके हैं, और 5-6 दिन से आप लगातार कमेंट करे जा रहे हैं, सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। तो पीजी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी सीटों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 10% सीट आपकी बढ़ा दी है, यानी लगभग 350 सीट आपकी बढ़ चुकी है। 350 सीटों में के लगभग बढ़ोतरी की गई है। तो यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सामने, राजस्थान विश्वविद्यालय से पीजी कोर्सेज की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। सीटों में बढ़ोतरी किस तरीके से हुई है? जिस प्रकार से यूजी कोर्सेज में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी कोर्सेज में भी 20% सीटों में बढ़ोतरी हुई थी, तो अब आपके पीजी में भी 10% सीटों में बढ़ोतरी की गई है। तो आपकी तीसरी मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी आउट हो जाएगी। इसका मतलब कि एक तरह से कार्य चल रहा है, कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन के अंदर ही आपकी तीसरी मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी। तो जो इंतजार कर रहे हैं, जिनका नंबर फर्स्ट में नहीं आया, जिनका नंबर सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उन विद्यार्थियों का नंबर तीसरी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। टेंशन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप लगातार इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे, सर मेरी इतनी परसेंट है, क्या मेरा हो जाएगा, सर क्या मेरा नहीं होगा। तो आप सभी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यह है कि सीटों में फाइनली आपके बढ़ोतरी हो गई है, 10% सीट बढ़ाई है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउट नट ऐप। और शायद आप सभी का जितने जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, और जो आसपास हैं, जो अपनी सेकंड कट ऑफ के आसपास हैं, उन सभी का थर्ड कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, और शायद थर्ड कट ऑफ के साथ में ही आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी होगी। तो आपकी वेटिंग लिस्ट और आपकी थर्ड कट ऑफ की जो 10% इंक्रीज सीट है, वो एक साथ तीसरी लिस्ट जारी होने वाली है कुछ दिनों के अंदर ही, यानी आज के बाद कभी भी आपकी, 1-2 दिन के अंदर कभी भी आपकी तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी पीजी विद्यार्थियों के लिए। साथ में बताना चाहूंगा कि आपके कॉलेज कब से खुलेंगे। तो आपके कॉलेज फरवरी मंथ में खुलने वाले हैं, वो पीजी कोर्सेज हो चाहे यूजी कोर्सेज हो, सभी के लिए जो शेष बची हुई क्लासेज हैं उनके लिए जो आपके कॉलेज हैं वो खुलेंगे यहां पर फरवरी में। अभी तक जो है आपके कॉलेज खुले हैं पीजी फाइनल ईयर वालों के लिए, यूजी फाइनल ईयर वालों के लिए, लेकिन यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और पीजी प्रीवियस वालों के लिए अभी तक कॉलेज नहीं खुले हैं। तो फरवरी मंथ में आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे, आपकी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और आपके जो एडमिशन चल रहे हैं, जैसे आपकी तीसरी लिस्ट आउट होगी उसके बाद में आपको फीस जमा करानी होगी। आपका ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है फीस जमा कराने का, फीस जमा करा सकते हैं। और जिनका नंबर अभी तक नहीं आया उनका पूरा पूरा चांस है, उनका नंबर आ जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप सभी को पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं, मतलब कि जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में जाना होगा। कमरा नंबर शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो उस कमरा नंबर के अंदर आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। ऑनलाइन
आपकी फीस जमा हो जाएगी, पोर्टल बना रखा है यूनिवर्सिटी पे, और फाइनली आपके एडमिशन यहाँ पर तीसरी लिस्ट भी आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।